मैं तो धरन जा सकता हूँ। ओके सर, सबसे पहले तो आज की खुशी जो है वो बहुत बड़ी है क्योंकि चलना जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। क्या बात है, माशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आज की इस पार्टी के लिए? सबसे पहले तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, ब्रांड एम्बेसडर बन गई है और इंशाल्लाह अल्लाह सबको ऐसी कामयाबी दे और सबको ऐसी अचीवमेंट दे। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि मतलब ये लेवल पे आ गई हो। इंशाल्लाह उसको और अल्लाह ताला देंगे, तो बस यही बोलना चाहूँगा मैं और बहुत खुश हूँ। लेकिन ये ना आप लोगों को कई बार साथ में पार्टी करते पार्टी की बातें तो हम लोग हमेशा लेट आते हैं क्योंकि किसी का कुछ ना कुछ रह जाता है। जैसे आज ये लेट हो गया, हम लोग 10:30 बजे से रेडी थे आने के लिए, मगर ये भाई साहब ने बहुत लेट गया, चेहरा दिखा अपना, ये हो थोड़ा सा जिम कर रहा था थोड़ा सा नहीं, बहुत देर तक जिम कर रहा था तो लेट हो गए हम लोग। बाकी पार्टी की बात है तो हम लोग लेट आते हैं मगर पूरा इंजॉयमेंट करके आते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं आज तो आंटी को फोन किया, मैं बोला आंटी देखो मैं सब कुछ कर ले रहा हूँ जल्दी से, आज तो आज मैं जल्दी आऊंगा, मगर इसके वजह से लेट हो गया। इसको मैंने आज जल्दी जल्दी बोला जिम में जल्दी जल्दी कर, हम लोग आधा था जिम करके बोला चल स्टीम लेके ना के निकल जाते बस। नहीं नहीं नहीं, कोई शूट नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इंशाल्लाह कुछ अच्छा आएगा बहुत जल्दी और ग्रुप के साथ भी आएगा बहुत जल्दी इंशाल्लाह। तो बस आप लोग वेट कीजिए और जैसा आप लोग सपोर्ट करते हैं इंशाल्लाह आप लोग बस ऐसे सपोर्ट करते रहिए। अदनान का डायमंड रिंग सॉन्ग आया था वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा व्यू भी जा रहा है उसका, तो बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह ट्रेंडिंग भी करेगा वो, तो मेरे भाई के लिए बहुत खुश हो रहा है। नहीं ग्रुप में आ रहा नहीं है, बस बात हो रही है अभी, अब वो बात कंफर्म हो जाएगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा मीडिया को, क्योंकि हम लोग मीडिया को पहली प्रायोरिटी देते हैं। जी वेलकम। यहाँ पे यहाँ पे सब सलवे दरी जा एक मिनट बाजी चारों तरफ थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, फर्स्ट टाइम इंडिया में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है जो कि इन्फ्लुएंसर्स लोग का इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है, वो भी क्यूकी और पेटीएम इनसाइडर मिलके कोलैबोरेट करके इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और इतना बड़ा स्टेज है, इतने सारे लोग आए, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और सब जन परफॉर्म कर रहे हैं और सब लोग का जॉनर भी ऐसा है जो अभी तक का लोग देखे। फर्स्ट टाइम डांस कर रहा हूँ वो भी इतने बड़े स्टेज पे, सबसे ज्यादा तो अंदर से डर भी लग रहा है कि इतने सारे लोग हैं सामने, दोनों का ही देख के डांस ये लोग कभी किए नहीं। बहुत सारी चीजें भी हो रही है, जैसे फैन जोन है, सुपर फैन जोन है, एपिक आफ्टर पार्टी भी है, वो प्राइवेट पार्टी होने वाली है, तो बहुत मजा आने वाली है। जैसे अभी हम लोग शूट किए, सुबह से हम लोग शूट ही कर रहे थे फैंस लोग के साथ में, तो सुपर फैन जोन का था तो उसमें भी अलग अलग कॉन्टेंट थे, कोई जिम वाला बंदा है तो कोई बाइक राइडर है, कोई सुपर फैन में है, तो बहुत मजा आया सुबह से, बहुत ज्यादा अभी तो सब बहुत अच्छा फील हो रहा है। और सबसे ज्यादा अभी खुशी इस बात की है कि अभी हम लोग का परफॉर्मेंस होने वाला है, जिसके लिए हम लोग 3 दिन से प्रैक्टिस भी कर रहे थे। हालत खराब हो गई है, हालत खराब हो गई है, कुछ खाए बहुत थक गए हम लोग, मगर हम लोग अपना बेस्ट देंगे, वहाँ बेस्ट देंगे जरूर, आग लगा देंगे। तो वो अभी नहीं बता, वो सरप्राइज है, वो आप सरप्राइज देख सकते हैं, मजा नहीं आएगी अभी बता देंगे, मजा नहीं आएगा। तो सबसे हटके है इस बार वाला और सबसे अच्छा लगा और सबसे धमाकेदार है, सारी चीजें परफेक्ट है और फील है, फील और फील ऐसा है कि पूरी पब्लिक झूमेगी, मस्ती है, पूरी पब्लिक झूमेगी। ये बहुत अलग है और बहुत ही बड़ा है क्योंकि अभी तक का जियो गार्डन में मैंने ऐसा इवेंट देखा नहीं हूँ, जैसे एपिक फैन जम हमारी कंपनी कर रही है क्यूकी डिजिटल मीडिया,
तो बहुत मजा आने वाली है और सबसे अलग ही होने वाला है ये इवेंट अब तक का, तो बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। देख रहे हैं बिग बॉस भी, मगर अभी आजकल कुछ एक डेढ़ हफ्ता हो गया नहीं देख पा रहे हैं, और हमने सुना है कि इसमें आसिम एक बंदा है वो बहुत अच्छा खेल रहा है, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से ही है जैसे हम लोग हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वो अच्छा ग्रो कर रहा है उसमें, तो ऐसी सपोर्ट रहेगा उसको हमारी तरफ से भी, इंशाल्लाह जीतेगा वो। मेरा भी फेवरेट आसिम ही है, मैं इससे पहले फैज के सॉन्ग लॉन्च में भी मैं बोला था। आसिम और शहनाज की बात करने का जो बात करती है वो बहुत अच्छा है, मतलब सबको खींचती है अपने तरह। मैं भी टिकटॉक पर मैं वीडियो बनाया था, इतनी सुंदर लड़की भी पट्टी करती है। अगर जिसका बिग बॉस में नेचर खुला होता है और जो खुले मिजाज का होता है ना, वही होता है जो रियल होता है, तो हम लोग ने उसको आसिम में देखे उस चीज़ को, उसका एकदम खुला मिजाज है और वो जैसा खेलता है ऐसा लगता नहीं है कि कुछ स्क्रिप्टेड है, तो बहुत सही खेल रहा है। स्क्रिप्टेड तो रहता नहीं है वैसे, कैप्टिव रियलिटी क्योंकि मैं भी कर चुका हूँ, स्क्रिप्टेड मतलब वहाँ पे हवा उसका। अदनान बताएगा इस बारे में, किसके बारे में? उसके लिए मैं गया था प्रोटेस्ट के लिए। नो प्रॉब्लम। ऐसी सपोर्ट करते रहिए, बस आप लोग के सपोर्ट और प्यार से आज हम लोग यहाँ है, इंशाल्लाह हम लोग आप लोग को ऐसी अच्छी चीजें दिखाते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, लव यू ऑल। हेडफोन था मगर कैसा है दिखा रहे हैं मेरी जान, जनरल ब्रांड का सीटर है कौन सी, लव यू पैसे लगे हमारा खुश हूं मैं, जनरल त्रिकोण की ब्रांड एंबेसडर बन गया, कांग्रेचुलेशन आज पर उसको क्या करना है कौन लग रहा है भाई। भाई तो 5 मिनट और लेट हो जाता ना, हमारी बेटी को बुखार हो जाना था, कल कभी साथ में
इधर है इधर सर अच्छा भाई साथ में एक ही जगह ले लो सब इंटरव्यू एक साथ में विजुअल करते हो आवाज नहीं बैठी हमारे लिए पार्टी खत्म इतनी रात की फ्लाइट भी है।